कीप साइलेंस, सब अपने अपने बुक निकालिए। ये काशाया नाम को अपड़ा था। काशाया नाम का क्या मतलब है? पहले हाँ का, तो ये काशा है क्या? हाँ, काशाया मतलब जो गेरुआ वस्त्र होता है जो साधु लोग पहनते हैं ऑरेंज टाइप का, वो गेरुआ वस्त्रधारी। काशाया नाम मतलब जो गेरुआ वस्त्रधारी हैं उनका क्या अपराध है, उनकी क्या गलती है, यही शीर्षक है टाइटल। और इसमें क्या है कि काका साहेब काले लकड़ हैं जो गांधी जी के सानिध्य में रहते थे। उनको मौका मिला था गांधी जी के से के साथ रहने का कुछ टाइम के लिए, और अपने विचारों का आदान प्रदान करने का। साथ रहेंगे तो ऑब्वियसली विचारों का आदान प्रदान करेंगे और एक दूसरे से कुछ सीखेंगे। तो गांधी जी उनको सिखाते थे और वो भी बड़े ज्ञानी थे, इसलिए वो भी अपने विचारों को गांधी जी से ये करते थे, आदान प्रदान करते थे, यानी कि हाँ दोनों एक्सचेंज करते थे अपने विचारों को। और क्या है, हाँ तो उनके बहुत सारे ऐसे इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हुए होंगे जब साथ में थे, तो बहुत टाइम साथ में बिताए। तो उनका एक अंश, एक इंसिडेंट जो है यहाँ पे उन्होंने गुजराती में लिखा, गुजराती में उन्होंने लिखित रूप में इसको किया। कौन? काका साहेब कालेलकर ने। फिर उसी को गुजराती भाषण में जो था उसको बाद में सरल संस्कृत में करके, और उसी का एक अंश यहाँ चैप्टर के रूप में दिया गया है, जो गांधी जी और काका क्या नाम है काका साहेब कालेलकर के बीच में ये बातों को। हाँ लेट्स स्टार्ट, कोई नहीं बोलेगा। महात्मा गांधी महोदय स्वतंत्रता आंदोलन प्रारभत। महात्मा गांधी महोदय ने स्वतंत्रता आंदोलन को प्रारंभ किया, शुरू किया। हाँ महात्मा गांधी महोदय ने ही स्वतंत्रता आंदोलन को स्टार्ट किया था। अस्य आंदोलनस्य निखिलो अपि व्यवहारः। अस्य आंदोलनस्य इस आंदोलन का निखिलो अपि व्यवहारः मतलब निखिल मतलब संपूर्ण, पूरे व्यवहार को भी। प्रारंभेषु दिवसेषु साबरमती आश्रमे एव प्राचलत। पूरे जो व्यवहार थे इनके शुरू से ही, शुरू के दिनों से ही साबरमती आश्रम में ही प्रचलित थी। साबरमती आश्रम तो स्टार्टिंग से बहुत फेमस है ना गांधी जी के लिए, साबरमती के संत को कहा ही जाता है, तो ये यहीं रहते थे तो यहीं से ये प्रचलित हुए। और एकस्मिन् दिवसे स्वामी सत्यदेव आश्रमम् आगच्छत्। एकस्मिन् दिवसे स्वामी सत्यदेव आश्रमम् आगच्छत्। एक दिन स्वामी सत्यदेव आश्रम में आए। सह देशस्य स्वतंत्रार्थ कार्य रतस्य गांधी महोदयस्य कार्येण अतीव प्रभाविता प्रसन्ना च आसीत्। चासीत है च आसीत्। वह किसकी अशांति, प्लस आसीत, चासीत।
सह देशस्य स्वतंत्रतार्थम, वह देश के स्वतंत्रता के लिए विद्यार्थी को सुख कहाँ, अब इतना पंखा कहाँ ढूंढोगे तो पढ़ाई नहीं होगी। गांधी महोदय के सामने उन्होंने उसमें प्रवेश करने की और उनके साथ रहने की इच्छा प्रकट की। देशस्य स्वतंत्रतायै कार्यं कर्तुं ममापि महती इच्छा वर्तते। उनको देश का वो क्या बोलते हैं, ममापि में संधि विच्छेद है मम प्लस अपि और महती इच्छा में संधि विच्छेद है महती प्लस इच्छा करने की उन्हें इच्छा हुई। गांधी महोदय महदीक्षा ई और ई मिलके बड़ी ई स्वर संधि बड़ी थी ना आ? पहले भी बड़ी ई हाँ, ये स्वर संधि का नियम है। तो कोई भी ई हो दोनों ई मिलकर के बड़ी ई ही होगा, दोनों अ या आ कुछ भी मिले आ ही होगा। ये स्वर संधि दीर्घ संधि का उदाहरण है। गांधी महोदय आया अकथयद अहम, बहुत लंबा है ना। और करने के लिए भी आता है कि डिसजॉइन दिस वर्ड एंड जॉइन दिस वर्ड, इस तरह करके भी आता है।
देशस्य स्वतंत्रतायै कार्यं कर्तुं ममापि महती इच्छा वर्तते। देश के स्वतंत्रता के कार्य के लिए कार्य करने में मेरी भी बहुत इच्छा है। उन्होंने जताया सत्यव्रत ने गांधी ने कहा। सत्यदेवस्य प्रस्तावं गांधी महोदय स्वीकृतवान। सत्यदेव के प्रस्ताव को जो उनका प्रपोजल था वो गांधी महोदय ने स्वीकार कर लिया। स्वीकृतवान मतलब स्वीकार कर लिया, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया जो उनके प्रपोजल थे। गांधी महोदय अकथयत। गांधी महोदय ने कहा साधु साधु स्वागतम। साधु का मतलब अच्छा, गुड, ऑल राइट। स्वागतम अत्र भवतः। स्वागतम अत्र भवतः, आपका यहाँ स्वागत है। अत्र मतलब यहाँ, आपका यहाँ स्वागत है। आश्रमो अयम भवत एव किंतु आश्रम प्रवेशात पूर्वं भवता कासाय वस्त्राणां त्यागः करणीयः। नाम क्या करना होगा? ये साधु थे ना, वो वस्त्र पहन के आए थे। कृपा वस्त्र वही ऑरेंज वाला, वो ऑरेंज तो हाँ, उन्होंने गांधी जी को देखा है कभी वैसा पहने हुए? हाँ, इसीलिए उन्होंने बोला कि आश्रो अयम भवत एव, आपका ही है यह आश्रम, आपका स्वागत है पहले बोला, फिर बोला कि यह आश्रम आपका ही है। किंतु आश्रम में प्रवेश से पहले, आश्रम में प्रवेश से पहले भवता आपको कासाय वस्त्राणां त्याग करणीय। इस कासाय वस्त्र को, क्लॉथ को आपको त्याग करना होगा। इतना क्यों बोल रहे हो जब मैं समझा रही हूँ? तो तुमको समझाना है, आओ यहाँ पे आके समझाओ। गांधी महोदय से आदेशम श्रुत्वा आश्चर्यान्वितः स्वामी सत्यदेवः मनसि अकुप्यत। अब गांधी महोदय के आदेश को सुनकर, जो गांधी महोदय ने आदेश दिया कि आपको ये काशाय वस्त्र सेफ्रन क्लोथ को त्याग करना होगा, गिव अप करना होगा, तो वे सुनकर वो मन ही मन क्रोधित हो गए कि क्या बोल रहे हैं कि ये मुझे, मैं तो साधु हूँ और साधु के वेश में रहता हूँ, और ये बोल रहे हैं कि साधु तो हमेशा ऐसे वस्त्र पहनते हैं गेरुआ, और ये बोल रहे हैं कि इसको त्याग करना होगा। तो मन ही मन क्रोधित हुए। किंतु सह गांधी महोदय से पुरतः निज रोषम ना प्रकटयत। लेकिन मन में गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन गांधी महोदय के सामने वो अपने गुस्सा को नहीं प्रकट किए, गुस्सा को दबा के रोक के रह गए। सो अकथयत मतलब सो अकथयत का संधि विच्छेद का है सह प्लस अकथयत। सह प्लस अकथयत कथम काशाय वस्त्राणां त्यागः। उन्होंने पूछा उनसे कि हाँ कि हाँ क्यों इसका त्याग करो। काशाय वस्त्राणां को अपराध है, ये आ गया, हाँ यही चीज आ गया कि ये इस वस्त्र का, सेफ्रन वस्त्र का क्या किस क्या गलती है, ये मैं पहना हूँ तो अब मैं, मुझे अच्छा करना है तो तुम स्कूल ड्रेस पहन के भी कर सकते हो, तुमको अच्छा नहीं करना है तो इसमें भी नहीं करो। हाँ राइट है, कहने का मतलब कि अगर तुम पढ़ने आए हो स्कूल तो तुम कोई भी वस्त्र में पढ़ सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि स्कूल ड्रेस पहन के बैठेंगे तभी पढ़ेंगे। और जब स्कूल ड्रेस पहने हैं नहीं पढ़ रहे हैं तो स्कूल आए हैं, वही है जो काम हम कर सकते हैं वो हम किसी भी रूप में कर सकते हैं, तो इस वस्त्र का क्या अपराध है। अहम सन्यासी जन, वो हम लोग तो सन्यासी हैं, इस वस्त्र का क्या अपराध है, हम लोग गेरुआ वस्त्र धारण किए तो। सन्यासिना काशाय वस्त्राणि परिधारयन्ति। सन्यासी लोग तो हाँ यही धारण करते, इसका मीनिंग देखो वर्ड बाय वर्ड, ये सन्यासी ना मतलब सन्यासी लोग प्लूरल में है, काशाय वस्त्राणि ये भी प्लूरल में, कि काशाय वस्त्र को ही परिधारयन्ति पहनते हैं। हमेशा साधु हम लोग देखते हैं तो ज़्यादातर गेरुआ वस्त्र में देखते हैं ना, देख के ही लग जाता है ये साधु है। तो अहम काशाय वस्त्राणां त्यागं कर्तुं कथं प्रवृत्तो भवामि, तो मैं कैसे इस गेरुआ वस्त्र को त्याग करूँ,
क्यों करूं और कैसे करूं, इसका क्या अपराध है। स्वामी सत्यदेवस्य वचनं श्रुत्वा शांत स्वरेण गांधी महोदय अकथयत्। उनके वचनों को सुनकर गांधी जी तो बहुत महान व्यक्ति थे, गुस्सा वाले थे नहीं। जो भी आप महापुरुष देखोगे, जो भी पढ़े लिखे एजुकेटेड व्यक्ति को देखोगे, वो हमेशा पोलाइटली बोलते हैं, ये आप ध्यान देना। और जो गुस्साता है, जो बात बात में उखड़ जाता है, वो निर्बुद्धि होता है, उसके पास बुद्धि की कमी होती है। महात्मा की बात नहीं है, ऐसे आम जीवन में भी जो एजुकेटेड पर्सन को देखोगे वो हमेशा पोलाइटली बोलेंगे, वो अच्छे से तुमको समझाएंगे। गलती भी करोगे तो उसको ठीक से समझाएंगे कि नहीं बेटा ऐसे नहीं, ऐसे होगा। और जो गुस्सा वाला है, कम बुद्धि वाला, वो तुरंत गुस्सा हो जाएगा, क्रोधित और डांट देगा। तो यही वो शांत स्वर में गांधी महोदय ने उनसे कहा, सत्यदेव से, भवता यदुक्तम तत् सत्यम अस्ति, आपने जो कहा वो बिल्कुल सही है। हाँ, वो उनको अच्छे से समझा रहे हैं, तो कैसे तुरंत गुस्सा आएंगे, वो अच्छे वे में बोल रहे हैं कि आपने जो कहा वो सही है, किंतु भवान संन्यासस्य त्यागम करोतुम इति न मम आशयः, कि आप संन्यास त्याग करें। बिल्कुल सही, हाँ, गुड, वेरी गुड बेटा। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जो सन्यासी हो, आपका नेचर जो है सन्यासी होना, उसका त्याग आप कर दें। केवलम काषाय वस्त्राणाम त्यागम कर, हाँ, वो गेरुआ वस्त्र को ही आप छोड़ दीजिए। हाँ, गांधी महोदय से कथन तात्पर्य जनानः सत्यदेव विचार मुद्रायाम स्थित मौनम च अवलंबितवान। गांधी महोदय के कथन के कहने के तात्पर्य को समझकर सत्यदेव विचार मुद्रायाम, अब सोचने लगे, विचार मुद्रा में मतलब सोचने लगे, और मौन होकर वो खड़े होकर रुक गए, मतलब मौन होकर के सोचने लगे थोड़ी देर के लिए। हाँ, एकदम चुपचाप से क्या इन्होंने बोला, होता है ना, कोई समझाता है कि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम ये नहीं करो, लेकिन तुमको यहाँ बैठ के पढ़ना है। मैं नहीं बोल रही हूँ कि तुम मत खेलो, लेकिन तुमको टाइम पे पढ़ना है। थोड़ी देर सोचने लगे कि ये क्या बोल रहे हैं। तो तस्य तादृशी मनोदशाम अवगम्य गांधी महोदय स्वीय आशय स्पष्ट कर्तुम शांत भावेन मृदु भाषया च सत्यदेवाय अकथयत। तस्य तादृशी मनो, अब वो जो सोचने लगे तो ये देखे कि क्या सोचने लग गया, देख के पता चल जाता है ना सामने वाले का रिएक्शन। तो वो गांधी महोदय समझ गए कि ये सोचने में पड़ गया, तो उसको अपने आशय को, जो उन्होंने कहा था कि मेरा ये तात्पर्य नहीं है कि आप जो है अपना नेचर छोड़ दो, ये सन्यासी का केवल वस्त्र त्यागना है, फिर उनको अच्छे से समझाने के लिए स्पष्ट कर दूँ, स्पष्ट करने के लिए शांत भाव में और पोलाइटली मृदु भाषा में सत्यदेव से कहा, सुनो तो भगवान सावधानेन मनसा, आप सावधान मन से, आप स्थिर मन से मेरी बात को सुनिए। रोहन कम हियर, कम हियर, वयम अन्येषां सेवां कर्तुं प्रवृत्ता स्मः, हम लोग दूसरे के प्रति कार्य करने में संलग्न है, प्रवृत्त है। हम लोग जो हैं, जो सन्यासी लोग होते हैं, हमेशा दूसरे की भलाई करते हैं, इसलिए वो बोल रहे हैं कि हम लोग दूसरे के काम करने के लिए प्रवृत्त हैं, उसमें संलग्न हैं, बिजी हैं उसमें। अपने लिए हम नहीं जी रहे हैं, दूसरे के लिए जी रहे हैं। एतदेव अस्माकं ध्येयम् अस्ति, यही हमारा ध्येय है, यही जो है हमारा एम है, लक्ष्य क्या है कि हमको दूसरे की सेवा करना है, दूसरे के लिए जीना है, अपने लिए नहीं। तो ये ध्येय मतलब एम। भगवान जानातेव, जानातेव में जानाति प्लस एव, जानातेव, जानातेव, देखो ऐसे ही गलती होती है, अभी बोला ना जाना प्लस एव तो वो गलत हो जाएगा, इसको ध्यान दो। जानाति मतलब आप जानते ही हो,
तुम जानते ही हो जानते हो। और कौन सा रह गया बेटा? ये कथन तात्पर्य जाना नाना चावल के नहीं दिख रहा है यहाँ भी नहीं दिख रहा। चलो ना ज्यादा मोस्ट ऑफ स्टूडेंट तो यहीं पे हो तो नोट कर लो जो दिखता है कि नहीं होता है। कथना नहीं होगा कथन तात्पर्य कहने का तात्पर्य तो कथन तात्पर्य कथन तात्पर्य कहने का तात्पर्य जाना ना मतलब नहीं जानते हुए आ लगा हुआ है ना तो नहीं जानते हुए कहने का तात्पर्य गांधी महोदय के कथन कहने के तात्पर्य को जानते हुए ये तो बिल्कुल सही है मैंने किए हैं यहाँ पे गांधी महोदय के कथन के तात्पर्य को समझते हुए सत्यदेव विचार मुद्रायाम स्थित मौनम चावलमिता तो हाँ और है इसमें नहीं और लगा हुआ है नहीं समझते हुए गांधी महोदय के कथन के तात्पर्य को थोड़ी देर के लिए होता है ना कि मैं क्या बोल रहे हैं फिरना भी है तुमको लेकिन पढ़ना भी है तो ये क्या बोल रहे हैं थोड़ी देर के लिए माइंड ये होता है नहीं समझते हुए सत्यदेव विचार मुद्रा जब हम नहीं समझते तभी सोचने लग जाते क्या बोला इन्होंने तो वही चीज उन्होंने मौन और स्थिर हो गए खड़े हो गया तस्य तादृशी मनोदशायां अवगम्य गांधी महोदय स्वकीयम आशयम स्पष्टम करते उनकी वैसी स्थिति देखकर गांधी महोदय अपने बातों को स्पष्ट करने के लिए कर्तुम मतलब करने के लिए त्रि धातु तुम प्रत्यय कर्तुम शांत भावे मृदु भाषया च सत्यदेवम अकथयत शांत भाव से और वेरी पोलाइटली उन्होंने सत्यदेव से कहा श्रुणोतु भवान सावधेन मनसा आप सावधान होकर आप स्थिर चित्त होकर के सुनिए वयम अन्येषां सेवां कर्तुं प्रवृत्ता स्म हम लोग जो है दूसरे की सेवा में ही प्रवृत्त हैं उसमें ही बीजी हैं अपने लिए नहीं जी रहे हैं एतमेव अस्माकं ध्येयम् अस्ति यही हमारा ध्येय है यही हमारा एम है भवान जानाति मतलब आप जानते ही हो जानाति एव यद अस्माकं यद अस्माकं यहाँ पे संधि विच्छेद जाएगा यद अस्माकं कि जो हमारे देश में लोग कासाय वस्त्रधारिणा संन्यासिना सेवां कर्तुं सदैव समुत्सुका भवन्ति हमारे देश में गेरुआ वस्त्रधारी सन्यासी जो हैं सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर हैं जो साधु लोग हर जगह दिखते हैं वो लोग यही घूम रहे हैं सेवा कर रहे हैं तो आप जानते ही हो यदा भवान सेवा कार्याय प्रवृत्त भविष्यति यदि आप सेवा कार्य में सेवा करने के लिए प्रवृत्त होते हो लगते हो उसमें तदा कासाय वस्त्रधारिणं भवन्तं दृष्ट्वा एकतः ते भवतः सेवा कार्यम न अंगीकरिष्यन्ति अगर आप सेवा कार्य में प्रवृत्त होगे भविष्य की तदा तब कासाय वस्त्रधारिणं भवन्तं आपको कासाय वस्त्रधारी देखकर सुनो पहले
आपको कासाय वस्त्र धारी देखकर एकतः ते भवतः सेवा कार्यम न अंगीकरिष्यन्ति, आपके सेवा कार्य को वो स्वीकार नहीं करेंगे। अंगीकरिष्यन्ति मतलब स्वीकार नहीं करेंगे। अगर कोई है साधु है और आपको खाना परोस कर खिला रहा है तो आप बोलोगे ना कि नहीं नहीं मैं आपको खिलाता हूँ, आप मत दीजिए। तो वही चीज वो बोल रहे हैं कि अगर आप ये, हम तो दूसरे के सेवा कार्य में संलग्न है, लगे हुए हैं, और आप अगर ये वस्त्र धारण किए रहोगे, नहीं छोड़ोगे, तो आपकी सेवा को कोई स्वीकार नहीं करेगा। आप जाओगे किसी को हेल्प करने के लिए, आप क्यों कर रहे हैं, आप मैं करूँगा आपको, आप क्यों कर रहे हैं, आप साधु हो, आप ब्राह्मण हो, ब्राह्मणों को लोग आदर देते हैं ना। कभी घर पे भी कोई ब्राह्मण व्यक्ति आता है तो देखोगे कि लोग वो प्लेट उठाने लगेगा तो लोग बोलते नहीं नहीं आप मत उठाओ, मैं उठाता हूँ, क्योंकि उनका आदर करते हैं, वो बोलते हैं हाँ कि नहीं। तो इसीलिए अपरता सेवाओं करतु प्रवृत्ता भविष्यति, और दूसरे में सेवा करने में प्रवृत्त रहेंगे। चलो किनका है प्रक्रिया, अनेन किम अस्माकं देयस्य हानि न भविष्यति, इससे क्या जो हम हमारा ध्येय का हानि नहीं होगा, हम जो सेवा में लगे हैं लोग हमसे सुखारेंगे ही नहीं, तो इससे हमारा जो एम है सबका सेवा करना, तो इसमें हानि होगी। वही बात वो समझा रहे हैं कि आपको ये वस्त्र का त्याग करना ही होगा। ठीक है, इसको कंटिन्यू करेंगे कल। हाँ, और थोड़ा पढ़ना बेटा घर पे।